सुनाओ ना। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, हमने इसके पहले पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे ही रूल्स, डायमेंशंस एंड कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस हमने जाना। ओके, हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमारे सामने दिया गया होगा अगो, ओके, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, या इसके अलावा हमारे सामने दिया जा सकता है वंस अ मंथ, यानी कि वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ डिकेड, वंस अ सेंचुरी, या इस वंस की जगह पे हमारे सामने क्या दिया जा सकता है, वंस और ट्वाइस, क्या वंस और ट्वाइस, या इसके अलावा हमारे सामने दिया जा सकता है क्या एवरी, या इसके पहले हमारे सामने क्या दिया जा सकता है लास्ट, लास्ट या एवरी। जैसे कि लlast week या every week, every month, every year, every decade, every century, इसके अलावा आपके सामने हो daily, ओके। तो ये जितने भी आपके सामने ये adverb of time दिख रहा है ना, ये सारे ही adverb of time का प्रयोग हमेशा habit को बताने के लिए किया जाता है। किस चीज़ को बताने के लिए किया जाता है, habit को, यानी कि habitual action को बताने के लिए किया जा सकता है। अब जी ये habitual action present का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और ना फ्यूचर का भी हो सकता है। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। और जब अगो, लास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या इस तरीके की एडवर्ब ऑफ टाइम दिखते हैं तो हमेशा सेंटेंस किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। जी अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब वो होगा वाजब्लिक वर, क्या वाजब्लिक वर, जहाँ पे वर का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। जैसे वाज, अब यहाँ पे वाज क्या हो सकता है, आई, ओके, ही, शी, ईट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, या कोई भी सिंगुलर नाउन, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। उसके साथ हमें क्या यूज़ करना होता है, तो हमें इज का यूज़ कर, वाज का यूज़ करना होता है, ओके। जहाँ तक वर की बात है, तो वर का प्रयोग हमेशा ही प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हालांकि आई के साथ भी होता है, लेकिन वो सपोजिशनल सेंटेंसेस में होगा, हमेशा ही सपोजिशनल सेंटेंसेस में होता है। तो वाज का प्रयोग हमेशा ही प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे वी, यू, ओके, दे, या कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट, या कोई भी प्लुरल नाउन, या कोई भी प्लुरल प्रोनाउन, या कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट, ओके। आई होप कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो ही होगी, हो चुकी होंगी, ओके। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और फिर एक एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के एक एक डायमेंशंस को बताता हूँ कि कहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ओके। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का पहला यूज होता है कॉन्टीन्यूअस एक्शंस को बताने के लिए, ओके, क्या कॉन्टीन्यूअस एक्शंस को बताने के लिए। इसके अलावा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब इरिटेटिंग एक्शन के बारे में बात करना हो, क्या इरिटेटिंग एक्शन को दूसरे नाम कंपल्सिव हैबिट के नाम से जाना जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टू सिंपलिश एक्शंस हो रहे हैं, क्या टू सिंपलिश एक्शंस, टू
कुछ मीटीरियस एक्शंस के लिए किया जाता है. ओके और फास्ट पॉइंट स्मल्टेनियस एक्शंस के लिए किया जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग जब एक एक्शन शॉर्टर होता है तो दूसरा लॉन्गर होता है तो वहां पे भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा. ओके एक तो शॉर्ट एक्शन हुआ शॉर्ट एक्शन प्लस लॉन्ग तो वहां पे भी हम क्या करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे. ओके तो ज़्यादातर टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि वह वाक्य जिसके अंत में रहा है रही है रहे थे आदि शब्द आता है वह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. ओके ये बिल्कुल गलत है ये टोटली रॉन्ग है और जो करेक्ट जो 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 यूजेज हैं जो एप्रोप्रिएट यूजेज हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो है पास्ट के कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए पास्ट के इरिटेटिंग एक्शन को या कंपल्सिव हैबिट को बताने के लिए या टू सिमल्टेनियस एक्शंस जब होते हैं पास्ट में वहाँ पे आता है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसके अलावा शॉर्टर प्लस लॉन्गर एक्शन के लिए आएगा यानी कि जब मैं आया वह हंस रहे थे जब मैं आया वह हंस रहे थे तो मेरा आने का ये जो क्रिया है ना ये बहुत ही सट क्रिया है और उसके हंसने का एक लॉन्गर क्रिया है. जब मैं स्कूल के लिए निकला बारिश हो रही थी. ओके जब मैं स्कूल के लिए निकला तो बारिश हो रही थी. अब स्कूल के निकलने का ये जो एक्शन है ना बहुत ही शॉर्ट एक्शन है लेकिन ये बारिश का होना एक लॉन्गर एक्शन है. ओके जैसे मैं वहाँ ओके इस तरीके के एक्शंस को बताने के लिए वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है. तो ओके आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी और ये आप ना इन सारे डायमेंशंस को अपने नोट पे नोट कर लिया होगा तो प्लीज़ अगर नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके कितने डायमेंशंस में आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो कॉन्टिन्यूस एक्शन इरिटेटिंग एक्शन कंपल्सिव हैबिट टू सिमल्टेनियस एक्शंस एंड अ शॉर्टर प्लस लॉन्गर एक्शन के लिए आता है. ओके एक एक चीज़ों को डायमेंशन में एक एक चीज़ों को अप्लाई करके अपने सेंटेंसेस में हम देख लेंगे. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो पहला स्ट्रक्चर है रूल नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप. ओके सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप. ओके थर्ड है क्या है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको पता चल ही गया होगा कि इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है यानी कि वाज अब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा सेंटेंस के एंड में. ओके अगर फोर्थ की बात करें तो डब्ल्यू ब्लिक से तो जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो वाज अब्लिक वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे. ओके उसके बाद आएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. ओके नॉट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओके प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन. ओके इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर की ओके तो वो बात करता है डब्ल्यू ब्लिक एज फैमिली की इंटरोगेटिव की. ओके तो डब्ल्यू ब्लिक एज प्लस वाज अब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा. ओके इसके अलावा एक स्ट्रक्चर बच रहा है जो कि हम यहाँ पे इसको मिटा के लिख लेंगे. ओके तो हमें क्या ही यूज़ करना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या होगा वाज अब्लिक वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का यूज़ करना होता है एक्सेप्ट इमेजिनरी सेंटेंसेस को जहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. और उसके बाद वाज अब्लिक वर्ब के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा अपने नोट पे तो मैं आगे पढ़ता हूँ. ओके
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर सिक्स के, वो होगा डब्लूप्लिकेज प्लस वाजब्लिक पर, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आपने डब्ल्यू एस फैमिली के बारे में पहले भी पढ़ चुका है और इसलिए आप डब्ल्यू एस फैमिली से परिचित हैं, मैं ऐसा मान के आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। अगर नहीं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं और प्रीवियस लेक्चर से उठा के चीज़ों को देख ले, पढ़ ले और जान ले, और फिर यहाँ पे आके अपने एक एक चीज़ों को वन बाय वन स्टेप टू स्टेप चल के क्लियर कर लें। आई होप कि यू हैव रिटन ऑल दिस स्ट्रक्चर्स ऑन योर नोट, सो आई एम मूविंग अहेड टू वाइप आउट, ओके। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ओके। पहला नंबर एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, सी वाज लुकिंग एट मी व्हेन आई वेंट देयर, ओके। पहला नंबर स्ट्रक्चर, पहला सेंटेंस है। दूसरा है, It was raining when we came out of the room. दूसरा और तीसरा है, she was always scolding her children, ओके। पांचवा है, इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। ओके, हमने चार एग्जांपल्स को लिया है, एक और ले लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने पांच एग्जांपल्स लिखे गए हैं और पांचों एग्जांपल्स बहुत ही स्मूथली आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे होंगे, ओके। पहला है, सी वॉज लुकिंग एट मी व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहां गया तो वो मेरे पर देख रही थी। मेरा वहाँ जाने का एक्शन बहुत ही शॉर्टर एक्शन है, अगर हम कंपेयर करें वहाँ वो देख रही थी, देखने का एक्शन ये लॉन्गर एक्शन है और वहाँ जाने का एक्शन शॉर्टर एक्शन है, ओके। तो लॉन्गर एक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। लॉन्गर एक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, लॉन्गर एक्शन को हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से डिनोट करेंगे, किससे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से, ओके। इसके अलावा अगर बात करें व्हेन आई वेंट देयर, ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये क्या बता रहा है, टाइम, ये टाइम कैसा है, शॉर्टर है, यानी कि शॉर्टर है, छोटा है, ओके। और ये एक्शन छोटा है इसके कंपैरिजन में और ये बड़ा है, तो यहाँ पे एक दो एक्शन हो रहे होंगे, एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, ओके। इसके अलावा दिया, इट वॉज रनिंग व्हेन वी केम आउट ऑफ द रूम, जब हम लोग रूम से बाहर आए, रूम से बाहर आने का एक्शन बहुत ही शॉर्ट एक्शन है,
ओके, बहुत ही शॉर्ट एक्शन है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है, इसके पहले इट वॉज रेनिंग, बारिश का होना एक लॉन्गर एक्शन था इसलिए इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, शी वॉज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, वो अपने पुत्रों को हमेशा ही डांट रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इरिटेटिंग एक्शन होता है। कौन सा एक्शन? तो इरिटेटिंग एक्शन या कंपल्सिव हैबिट के बारे में जब बात कर रहे होंगे, तो ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जब कभी भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करी जाती है स्टेटमेंट्स में, किसकी बात? ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स की। ओके, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स इंक्रीमेंट भी हो सकता है, इसके अलावा डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर इंक्रीमेंट होगा तो चीज़ें इंक्रीज कर रही होंगी, अगर वो डिक्रीमेंट होगा तो चीज़ें नीचे जा रही होंगी, घट रही होंगी। ओके, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वो पास्ट की है तो, अगर वो प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक आई एम गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, और आई कैन से वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, नेक्स्ट है, व्हाइल आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग शी वाज डांसिंग। देखो, पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही सिमल्टेनियस एक ही समय पे हो रहे थे। तो जब कभी भी पास्ट में दो क्रियाएं ऐसी एक ही टाइम पे होती हैं, दो क्रियाएं एक ही टाइम पे होती हैं, तो वहाँ पे भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, लाइक आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। व्हेन आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, व्हाइल आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दे वर अटेंडिंग माई लेसन्स अटेंटिवली, दे वर अटेंडिंग माई लेक्चर्स अटेंटिवली। ओके, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप कि ये पाँचों ही स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर प्लीज़ आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, आई विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा जब दो टू सिमल्टेनियस एक्शंस होते हैं पास्ट में, तो एक शॉर्टर होगा और दूसरा लॉन्गर होगा। उस तरीके से यूजेज ऑफ व्हेन अब्लिक व्हाइल, अगर हम व्हेन अब्लिक व्हाइल की बात करें तो व्हेन अब्लिक व्हाइल का दोनों ही वर्ड्स का प्रयोग पास्ट में किया जाता है टाइम को बताने के लिए। ओके, तो क्या डिफरेंस है वेन में और क्या डिफरेंस है वाइल में, हम अभी जान लेते हैं। तो जब कभी भी हम वेन की बात करते हैं, किसकी? वेन की, तो वेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस